नमो नमः। लघु जातकम् के इस दूसरे पाठ में आपका बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इसके पहले के पाठ में आपने आचार्य वराहमिहिर के जीवन के बारे में पढ़ा, उनके कृतियों के बारे में पढ़ा और उनकी जो मुख्य कृति है मतलब लघु जातकम् जो हम चर्चा करने वाले हैं उनके विषय में संक्षिप्त रूप में आपने पूर्व के वीडियो में जाना। इस वीडियो में चूंकि यह दूसरा पाठ है तो इस वीडियो में जो राशि प्रभेदाध्याय जो प्रथम अध्याय है लघु जातकम् के 16 अध्यायों में से एक प्रमुख अध्याय है, इस अध्याय के विषय वस्तु के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे और इस वीडियो में जो ग्रंथ का जो मंगलाचरण है उसके विषय में चर्चा करेंगे और इससे अग्रिम वाले वीडियो में मतलब उत्तरार्ध के वीडियो में इस ग्रंथ का क्या प्रयोजन है उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं मंगला चरण से। जैसा कि आपने पूर्व के वीडियो में जाना कि आचार्य वराह मिहिर जो भगवान सूर्य के उपासक थे, कपित्थ नामक ग्राम में उज्जैनी में उनका जन्म हुआ था और भगवान सूर्य की आराधना से और अपने पिता के आशीर्वाद से इन्होंने ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया। तो उसी परंपरा का अनुसरण करते हुए इन्होंने मंगलाचरण में अपने भगवान सूर्य की इन्होंने वंदना की है नमस्कारात्मक रूप में और वस्तु निर्देशात्मक रूप में। यह नमस्कारात्मक या वस्तु निर्देशात्मक क्या है तो शास्त्रकारों ने बताया है कि जब भी हम कोई शुभ काम प्रारंभ करते हैं, ग्रंथ का लेखन करते हैं या व्यवहार में भी आप देखे होंगे कोई सा भी हम शुभ काम करते हैं तो भगवान का स्मरण करते हैं। क्यों करते हैं? हमारा यह विश्वास है और सनातनी परंपरा भी है कि ऐसा करने से संबंधित विषय वस्तु में जो कुछ भी विघ्न उपस्थित होने वाला है वह भगवान के आशीर्वाद से दूर हो जाता है। तो उसी को हम कहते हैं मंगलाचरण, मतलब मंगल का आचरण करना ही मंगलाचरण कहलाता है। यह अपने अपने इच्छा के अनुसार होता है, मतलब हमारे जो भी इष्ट देवता हैं उनकी हम मंगलाचरण करें या संबंधित विषय के जो देवता हैं उनकी हम मंगलाचरण करें। जैसे कोई ग्रंथ लिखते हैं तो उसकी अधिष्ठात्री देवी सरस्वती होती हैं तो उनकी भी हम वंदना कर सकते हैं, मतलब अपने इष्ट का संस्मरण हम करते हैं मंगलाचरण में। मंगलाचरण वस्तुतः ग्रंथ के प्रारंभ में किया जाता है, ग्रंथ के मध्य में किया जाता है और ग्रंथ के अवसान में किया जाता है। प्रायः सभी ग्रंथों में ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण तो किया जाता है ही, लेकिन क्वचित ही ग्रंथ के मध्य में या फिर ग्रंथ के अवसान में वैसा दिखाई देता है, लेकिन आद्य में तो निश्चित रूप से मंगलाचरण दिखाई देता है ही। मंगलाचरण के वस्तुतः तीन भेद होते हैं। प्रथम भेद होता है नमस्कारात्मक मंगलाचरण, दूसरा होता है आशीर्वादात्मक और तीसरा होता है वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। नमस्कारात्मक मंगलाचरण में हम अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हैं और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। आशीर्वादात्मक मंगलाचरण में हम अपने इष्ट देव से कुछ आशीर्वाद की कामना करते हैं कि हमें बुद्धि दें, बल दें, जो कुछ भी हमारा अभीष्ट रहता है उसकी हम याचना प्रभु से करते हैं। वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण में ग्रंथ में जो प्रतिपाद्य विषय हैं उनको प्रदर्शित करते हुए जो मंगलाचरण किया जाए उसको हम कहते हैं वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। तो आप को यह मंगलाचरण स्पष्ट हो गया कि तीन प्रकार का मंगलाचरण होता है। अब आचार्य वराहमिहिर ने भगवान सूर्य की जो मंगलाचरण आगे बताएंगे
उसमें नमस्कारात्मक रूप में भी प्रदर्शित किया है और क्वचित वस्तु निर्देशात्मक रूप में भी उसकी प्रतीति होती है। ग्रंथ का मंगलाचरण, चूंकि यह प्रथम श्लोक है, राशि प्रभेदाध्याय का यह प्रथम श्लोक है, उसी के अंतर्गत मंगलाचरण है। और उद्देश्य हमने बता ही दिया कि मंगलाचरण क्यों करते हैं, कि हमारा यह जो ग्रंथ है, लघु जातकम का जो ग्रंथ है, वह निर्विघ्न समाप्त हो जाए और निर्विघ्न परिपूर्ण भी हुआ भगवान सूर्य के आशीर्वाद से। आप यह श्लोक देखिए जो आचार्य वराहमिहिर ने मंगलाचरण किया हुआ है। यस्योदयास्त समये सुर मुकुट निघृष्ट चरण कमलोपी कुरुतेंजलिम त्रिनेत्रह स जयति धाम नाम निधि सूर्यः। भगवान सूर्य की इन्होंने एक प्रकार से वंदना की है, नमस्कार किया है। कहते हैं कि यस्य उदय अस्त समये सुर मुकुट निघृष्ट चरण कमलः त्रिनेत्रह अपि अंजलिम कुरुते सह धाम नाम निधि सूर्यः जयति। अन्वय आप इसको कह सकते हैं, मतलब श्लोक में छंदबद्ध होता है श्लोक, और जो भी उसकी कर्ता क्रिया या जो भी उसके अवयव होते हैं उनको एक अव्यवस्थित क्रम में किया जाता है, लेकिन अन्वय में एक व्यवस्थित क्रम उसको दिया जाता है। तो कहते हैं कि यस्य उदय अस्त समये, मतलब जिनके उदय और अस्त के होने पर, सप्तमी एक वचन का रूप है, तो जिसके उदय होने पर और जिसके अस्त होने पर, सुर मुकुट निघृष्ट चरण कमलह त्रिनेत्रह, मतलब जिसके उदय और अस्त होने पर भगवान शंकर भी अंजलि देते हैं, मतलब सूर्यार्घ देते हैं, भगवान शिव भगवान सूर्य को नमस्कार करते हैं, ऐसे भगवान सूर्य की जय हो, मतलब उनकी उनको हम नमस्कार कर रहे हैं, ऐसा व्याख्याकार ने स्पष्ट किया है। तो वह भगवान शंकर कैसे हैं? कहते हैं कि सुर मुकुट निघृष्ट चरण कमलह, मतलब एक तो भगवान शंकर सभी देवों में पूज्य हैं और वह साक्षात भगवान सूर्य की उपासना करते हैं, मतलब उनको प्रणाम करते हैं, तो भगवान सूर्य सबसे उत्कृष्ट हुए और ऐसे भगवान सूर्य की हम वंदना करते हैं, नमस्कार करते हैं, इस अर्थ में होता है। तो भगवान शंकर कैसे हैं? तो कहते हैं कि सुर मुकुट निघृष्ट, मतलब सुर मतलब देवताओं के मुकुट से जिनके चरण कमल घिस गए हैं। कैसे घिस जाएंगे? तो यक्ष दानव किन्नर जितने भी देवता इत्यादि हैं सब भगवान शंकर के पास आकर के उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। तो ऐसे देव दानव जो हैं उनके मस्तक पर मुकुट रहते हैं, मतलब चूड़ा मणि इत्यादि उनके मुकुट पर अनेक प्रकार के आभूषण इत्यादि जड़ित रहते हैं। तो जब वह भगवान शिव के चरणों में प्रणाम करते हैं तो उनके मुकुट से भगवान शंकर के जो चरण कमल हैं वह घिस जाते हैं, कि क्योंकि वह आभूषण होता है, धातु इत्यादि का मुकुट बना होता है, तो भगवान शिव का जो चरण कमल है वह छिल जाता है। तो ऐसे भगवान शंकर भी जब साक्षात भगवान सूर्य की उपासना करते हैं, मतलब उनके उदय और अस्त होने पर उनको जलांजलि देते हैं, मतलब उनको सूर्यार्घ देते हैं, तो इसका अर्थ यही हुआ कि भगवान शिव जो भगवान सूर्य जो हैं वह सबसे बड़े हैं देवों में। क्योंकि जब भगवान शिव जो साक्षात ऐसे हैं जिनको सभी देव आकर के वंदना करते हैं, नमस्कार करते हैं, और वह भी प्रातःकाल और सायंकाल में जाकर भगवान सूर्य को प्रणाम करते हैं, तो उसका अर्थ यही है कि वह भगवान सूर्य सभी देवों में श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार के धामनाम निधि सूर्यः, मतलब किरणों के जो भंडार हैं भगवान सूर्य के पास, अनेक किरण हैं, सहस्र रश्मियाँ जिनको कहा जाता है, हजारों किरण उनके पास हैं, मतलब एक प्रकार से विद्युत के भंडार, जो ऊर्जा के भंडार हमारे भगवान भास्कर हैं, उनकी जय हो, मतलब वह हमसे श्रेष्ठ हैं, इस कारण से हम उनकी वंदना करते हैं। इसका वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण भी किया जाता है,
मतलब भगवान सूर्य चूंकि ज्योतिष शास्त्र के आद्य प्रवर्तक रहे हैं अष्टादश महर्षियों में, और उन्हीं के द्वारा ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान प्रवर्तित हुआ, और इस ग्रंथ में सूर्य के विषय में भी बताया जाएगा, तो इस दृष्टिकोण से यह ग्रंथ मतलब यह श्लोक जो है वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण की ओर भी संकेतित करता है। तो मुख्य रूप से नमस्कारात्मक मंगलाचरण तो इसमें है ही, और कदाचित तो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण भी है। भगवान सूर्य की आचार्य वराह मिहिर ने वंदना की है, उनको नमस्कार किया है, और उनसे एक प्रकार से कामना की है कि हमारा जो यह ग्रंथ है लघु जातकम जो मैं लिखने वाला हूँ वह निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो सके, संपन्न हो सके, इसमें किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। लघु जातकम वस्तुतः इसका कोई वास्तविक नाम नहीं है, जैसा पिछले के वीडियो में बताया गया है। संक्षेप जातकम आप कह सकते हैं, सार जातकम कह सकते हैं, स्वल्प जातकम कह सकते हैं, कुछ भी आप इसको नाम दे सकते हैं जो उसके समानार्थक हैं। तो अपनी परंपरा के अनुसार भगवान भास्कर की उपासना आचार्य वराह मिहिर ने इस श्लोक के माध्यम से की है। मुख्य रूप से इसमें भगवान भास्कर की ही उपासना की गई है, भगवान शिव के द्वारा, और भगवान शिव जो हैं साक्षात भगवान सूर्य की उपासना करते हैं, तो स्वाभाविक बात है कि हमें भी उनका आश्रयण करना चाहिए, हमें भी उनकी उपासना करनी चाहिए। यह हुआ मंगलाचरण का भावार्थ। इसके आगे वाले वीडियो में आपको बताया जाएगा कि ग्रंथ का प्रयोजन क्या है।